हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन आई विल ब्रिंग टू यू फाइव क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईबी न्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर वन। इंडिया इज अमंग अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज विद एडवांस्ड कैपेबिलिटीज इन द स्पेस सेक्टर। द सेक्टर विल रिसीव न्यू एनर्जी एंड डायनामिज्म टू हेल्प द कंट्री लीव फ्रॉग टू द नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ स्पेस एक्टिविटीज बाय अलाउिंग private sector participation to use Indian space infrastructure. So this question guys is about the private sector participation in the Indian space infrastructure. And the question is, which of the following is not correct about the benefits which ISRO would get after these reforms? Can you tell me the headquarter of ISRO and the chief of ISRO? Write down in comments. ISRO ka headquarter aur ISRO ka chairperson kaun hai, ye aapko comments mein likhke batana hai. That's very easy question. I hope aap sabko ye iska answer pata hoga. So now let us discuss about this. So their union cabinet has approved the creation of Indian National Space Promotion and Authorization Center, which in short is in space, or ye within 6 months functional kar diya jayega. It is to provide a level playing field for private companies to use Indian space infrastructure, and this move aims to give a boost to private sector participation in the entire range of space activities. And the objectives of this move are the technological advancements and expansion of industrial base. जो भी हमारा industrial base है उसको technological advancement करना है और उसको expand करना है in the space sector, and to enhance the socio-economic use of space assets and activities through improved access to space assets, data and facilities. जो भी हमारे space assets है और जो भी हमारे space की activities है उसको अब हमें socio-economically use करना है, ताकि वो उसकी जो reach है वो common man तक पहुंचे, और इसको हम कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं थ्रू इंप्रूव्ड एक्सेस टू स्पेस असेट्स, डेटा एंड फैसिलिटीज। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल बी द रोल ऑफ इन स्पेस? सो इट विल प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज टू यूज इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। इट विल ऑल्सो हैंड होल्ड, प्रोमोट एंड गाइड द प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन स्पेस एक्टिविटीज थ्रू एनकरेजिंग पॉलिसीज एंड अ फ्रेंडली रेगुलेटरी एनवायरमेंट। बेसिकली जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो भी न्यू प्राइवेट कंपनीज स्पेस सेक्टर में आएंगी, उनके पास थोड़ा सा शुरुआत में कम एक्सपीरियंस होगा, कम नॉलेज होगा, कम एक्सपोजर होगा अबाउट द स्पेस। सो ये जो इन स्पेस है, ये इसको काम दिया गया है कि जो भी प्राइवेट कंपनीज पार्टिसिपेट करना चाहती हैं इन द स्पेस सेक्टर, उनको ट्रेन करने का काम किया जाएगा, उनको एक्सपोजर देने का काम किया जाएगा थ्रू दिस कंपनी इन स्पेस। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल द रोल ऑफ NSIL? सो गाइस, दिस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इट इज अ कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, ओके, एंड इट्स हेडक्वार्टर्ड इज इन बेंगलुरु। ठीक है, ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और इसके अलावा एक और कमर्शियल आर्म है इसरो की, जिसका नाम है अंतरिक्ष, जो कि सैटेलाइट लॉन्चिंग का काम करता है ऑफ द फॉरेन सैटेलाइट्स। राइट, सो NSIL इज द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो विद द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनेबलिंग इंडियन इंडस्ट्री टू टेक अप हाई टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज। इट विल एंडेवर टू रीओरियंट स्पेस एक्टिविटीज फ्रॉम अ सप्लाई ड्रिवन मॉडल टू अ डिमांड ड्रिवन मॉडल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो NSIL है उसका काम ये होगा कि वो स्पेस की एक्टिविटीज को, सारी स्पेस एक्टिविटीज को रीओरियंट करेगा फ्रॉम द सप्लाई ड्रिवन मॉडल टू अ डिमांड ड्रिवन मॉडल। मतलब कि जो सप्लाई ड्रिवन मॉडल होता है गाइस, जनरली वो हमेशा थोड़ा सा कम फायदेमंद होता है एज कम्पेयर टू अ डिमांड ड्रिवन मॉडल। सो जो NSIL है उसको ये काम दिया गया है कि आपको सारी स्पेस एक्टिविटीज को रीओरियंट करना है फ्रॉम द सप्लाई ड्रिवन मॉडल टू द डिमांड ड्रिवन मॉडल, देयर बाय ensuring optimum utilization of our space assets, ताकि जो हमारे space assets हैं उनका optimum utilization किया जा सके। Now what will be the role of ISRO? So these reforms will allow ISRO to focus more on research and development activities, new technologies, exploration missions and human space flight program. इस reform के बाद जो ISRO है वो R&D activities में ज़्यादा focus कर पाएगा, नई technologies में focus करेगा, exploration missions में focus करेगा, and other than this जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है हमारा, जो कि 2022 में हमारा टारगेट है कंप्लीट करने का, उस पर फोकस कर पाएगा। ऑलराइट, एंड सम ऑफ द प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन मिशंस विल आल्सो बी ओपन्ड अप टू प्राइवेट सेक्टर थ्रू एन अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी मैकेनिज्म। कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के लिए जो और प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन मिशन है उनको भी ओपन कर दिया जाएगा। ऑलराइट, नाउ गाइस, व्हाट आर द फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मूव? सो इंडिया इज अमंग अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज विद एडवांस्ड कैपेबिलिटीज इन द स्पेस सेक्टर। With these reforms, the sector will receive new energy and dynamism to help the country leapfrog to the next stage of space activities. India उन कुछ countries में से ही है जिनके पास space sector की advanced technologies है, और इस reforms के बाद
जो हमारा ये सेक्टर है स्पेस सेक्टर, इसमें नई एनर्जी आएगी, नई ऊर्जा आएगी, नई नया जोश आएगा, जिससे कि मदद मिलेगी जो स्पेस सेक्टर है उसके नेक्स्ट स्टेजेस तक जाने में. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बेनिफिट्स. ओके, सो ऑप्शन ए इज इट कुड फोकस मोर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज. यस, इसरो कुड फोकस ऑन दैट. इट कुड फोकस ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एक्सप्लोरेशन मिशंस. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इट वुड गेट फ्री फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम. नो गाइस, दिस इज इनकरेक्ट. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन सी. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम प्राइवेट कंपनीज को दे दिया जाएगा. ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो है उसमें पूरा का पूरा रोल इसरो का रहेगा. हाँ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट कंपनी से लिया जा सकता है, बट पूरा का जो मेंटोरशिप होगा उसमें पूरा का पूरा इसरो का ही रहने वाला है. ओके, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन सी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू. Nearly half of Tamil Nadu's population is urban and this is expected to increase to 63% by 2030. To strengthen the state's housing sector policies, institutions and regulations, a legal agreement has been signed. So, जो Tamil Nadu है उसमें ज़्यादातर population क्या है, urban है, और उसकी जो housing sector policy है, housing institutions है और regulations है, उसको strengthen करने के लिए एक legal agreement sign किया गया है recently. So, which of the following is correct statement regarding the loan disbursement for the different projects, right? So, guys, this loan has been signed between the government of India and World Bank for the government of Tamil Nadu. And this is a legal agreement of $250 million to help LIG people in the state of Tamil Nadu to get access to affordable housing. Jo LIG people hai, low income group people hai, citizens hai Tamil Nadu ke, unko अफोर्डेबल हाउसिंग एक्सेस कराने के लिए $250 million का ये लोन है जो कि साइन किया गया है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक फॉर द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु. एंड देर आर टू प्रोजेक्ट्स अंडर दिस प्रोजेक्ट. देर आर टू सब प्रोजेक्ट्स, राइट? एंड द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज वॉट, $200 million. इट इज फॉर तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम. एंड $50 million इज फॉर तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. राइट, सो देर आर टू प्रोजेक्ट्स जिसके लिए $250 million यूज किए जाएंगे. इस $250 million में गाइस $200 million विल बी यूज्ड फॉर तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम एंड $50 million विल बी यूज्ड फॉर तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. नाउ कैन यू टेल मी द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, राइट डाउन इन द कॉमेंट गाइज. एंड मेच्योरिटी पीरियड गाइज फॉर दिस लोन इज 20 years, इंक्लूडिंग अ ग्रेस पीरियड ऑफ 3.5 years. And what is the significance of this move? So nearly half of Tamil Nadu's population is urban and this is expected to increase to 63% by 2030. क्योंकि Tamil Nadu की जो population है वो आधे से ज्यादा urban है और 2030 तक ये 63% increase हो जाएगी. Right? So an estimated 6 million people are currently living in slums. So overall 6 million people हैं जो अभी भी slums के अंदर रह रहे हैं. तो इस लोन के आने के बाद, इस लोन के साइन होने के बाद, जो तमिलनाडु का हाउसिंग सेक्टर है उसमें एक बूस्ट आएगा. जो एलआईजी पीपल है, एलआईजी सिटीजन है, उनको अफोर्डेबल हाउसिंग मिल पाएगा बाय दिस लोन. ऑलराइट, सो देयरफॉर गाइस द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, वी हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोन डिसबर्समेंट. सो ऑप्शन स्टेटमेंट वन इज द लीगल अग्रीमेंट्स वर साइंड फॉर टू प्रोजेक्ट्स. यस, देयर आर टू प्रोजेक्ट्स अंडर दिस. Next is $50 million for Tamil Nadu housing sector strengthening program. No guys, this is for Tamil Nadu housing and habitat development project and $200 million is for Tamil Nadu housing sector strengthening program. All right. So therefore, ये जो दोनों statements है 2 और 3 ये दोनों गलत हो गई. तो हमारा correct statement केवल एक ही है, only one is correct is the correct answer. Okay. Now let's move on to question number 3, which is very important question, which is about the Electricity Amendment Bill 2020. So the central government has introduced the Electricity Amendment Bill 2020 to amend various provisions in the Electricity Act of 2003, and we have to identify which of the following is not one of the recommended provision in the Electricity Amendment Bill. Inme se kya recommended provision nahi hai in the Amendment Bill 2020. Okay, so now guys, let's discuss in detail this amendment. So recently central government has introduced this bill jiska naam hai Electricity Amendment Bill 2020. With an objective to address critical issues weakening the commercial and investment activities in the electricity sector. जो हमारा electricity sector है वो हमेशा से कमजोर रहा है, उसकी हालत हमेशा से खस्ता रही है, तो उसके commercial और investment activities को weak करने वाले जो भी critical issues है उनको address किया जाएगा. And for bringing transparency and accountability to protect the interest of consumers and ensuring healthy growth of the power sector.
ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए और कंज्यूमर्स के जो भी इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस बिल के अंदर कुछ प्रोविजंस लाए गए हैं। एंड नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम की अमेंडमेंट्स। सो देयर विल बी वन नेशनल सिलेक्शन कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। नाउ गाइज रिमेंबर वन थिंग हियर कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उनके चेयरपर्सन और मेंबर्स अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है एंड आफ्टर द दिस नेशनल सिलेक्शन कमिटी देन ओनली द मेंबर्स एंड द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको हम नेशनल सिलेक्शन कमिटी केवल इसलिए कह रहे हैं बिकॉज पहले क्या होता था, जो स्टेट सिलेक्शन कमिटी होती थी उसका चेयरपर्सन होता था एक्टिंग जज ऑफ अ करंट जज ऑफ अ हाई कोर्ट, मतलब किसी उस स्टेट के हाई कोर्ट का जो भी जज है वो उस कमिटी का चेयरपर्सन होता था। बट नाउ दिस नेशनल सिलेक्शन कमिटी का जो चेयरपर्सन होगा दैट विल बी अ सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑलराइट, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो इसका चेयरपर्सन होगा, लेकिन जो अपॉइंटमेंट की जाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाएगी, मतलब जो भी मेंबर्स को या चेयरपर्सन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसी को अपॉइंट किया जाएगा बाय द नेशनल सिलेक्शन कमेटी। ऑलराइट, आई होप यू आर गेटिंग दिस। नेशनल सिलेक्शन कमेटी के आ जाने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि SERC के मेंबर्स और चेयरपर्सन के की जो अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। इसको नेशनल सिलेक्शन कमेटी केवल इसलिए कहा गया है बिकॉज इसका जो चेयरपर्सन होगा दैट विल बी अ सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो स्टेट सिलेक्शन कमेटी हुआ करती थी उसका जो चेयरपर्सन होता था वो जज होता था ऑफ दैट स्टेट। ऑलराइट, इससे एक फायदा और होगा कि हर स्टेट को अपना अलग अलग एक सिलेक्शन कमेटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक नेशनल सिलेक्शन कमेटी से सारे स्टेट्स के जो भी मेंबर्स और चेयरपर्सन है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा। इनका जो वो होगा जो नॉमिनेशन होगा दैट विल बी बाय स्टेट गवर्नमेंट, बट जो अपॉइंटमेंट होगा दैट विल बी बाय नेशनल सिलेक्शन कमेटी। सो अल्टीमेटली जो पावर है वो किसके पास रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहने वाली है। राइट, नाउ सब्सिडीज विल बी गिवन थ्रू DBT टू द कस्टमर्स अकाउंट। लाइक LPG में जो हमारी सब्सिडी आती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आती है, उसी के तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में भी जो सब्सिडीज है उसको DBT के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा। एंड देयर विल बी अ नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी बिकॉज इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, सो इट इज देयरफॉर प्रपोज टू हैव अ सेपरेट पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। क्योंकि इंडिया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का सिग्नेटरी है तो इंडिया को जरूरी है कि वो एक नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस किया जा सके। राइट, क्योंकि वो गाइस हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा और वो कॉस्ट बेनिफिट जो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ओके, नाउ देयर इज सम कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ। अब जो ये हमारा नया अमेंडमेंट है इसमें ये बोला गया है दैट अ पीरियड ऑफ 60 days टू अडॉप्ट द डिटरमाइंड टैरिफ। मतलब होता बेसिकली ये था कि जो भी टैरिफ्स आते थे उसको अडॉप्ट करने में, उसको सिलेक्ट करने में काफी समय कंपनियां गवा देती थी, लेकिन जो अमेंडमेंट है उसने मैक्सिमम 60 दिन दिए हैं कि जो भी आपको टैरिफ अडॉप्ट करना है वो आप कर लीजिए, और अगर 60 दिन में नहीं करेंगे तो जो भी टैरिफ चला हुआ आ रहा होगा वही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। फेलिंग सच अ टाइम लाइन ऑफ 60 days द टैरिफ वुड बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। ओके, एंड इट इज ऑल्सो प्रपोज टू एम्पावर लोड डिस्पैच सेंटर्स टू ओवरसी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडिक्वेट पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। जो भी लोड डिस्पैच सेंटर्स हैं उनको एम्पावर किया जाएगा ताकि वो ये इंश्योर कर सके दैट देयर इज एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडिक्वेट पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म बिफोर डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, नाउ फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर दिस अमेंडमेंट। सो देयर विल बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी। ये एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी एंड दिस अथॉरिटी विल एनफोर्स परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू परचेज और सेल और ट्रांसमिशन ऑफ पावर बिटवीन अ जनरेटिंग कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी और ट्रांसमिशन लाइसेंसी। बेसिकली इस अथॉरिटी का काम ये होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको एनफोर्स करेगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज का हो सकता है, परचेज का, सेल का या ट्रांसमिशन का ऑफ पावर बिटवीन अ जनरेटिंग कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी और ट्रांसमिशन लाइसेंसी। एंड अदर देन दिस द बिल प्रोवाइड्स फॉर द SERC टू रिड्यूस क्रॉस सब्सिडीज एज पर द प्रोविजन ऑफ टैरिफ पॉलिसी। इसने बिल ने यह बोला है कि जितने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उनको ये कहा गया है कि जितने भी क्रॉस सब्सिडीज है उनको कम किया जाए। नाउ व्हाट आर क्रॉस सब्सिडीज गाइज? सो क्रॉस सब्सिडी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को लार्ज अमाउंट ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सब्सिडी दे दी गई बट अनदर ग्रुप ऑफ पीपल को लेस अमाउंट ऑफ सब्सिडी दी गई। ऑलराइट, सो क्रॉस सब्सिडी का मींस
that a particular group of people has given more subsidy while another group of people has given less subsidy. इसको हम बोलते हैं क्रॉस सब्सिडी, जिसको कम करने के लिए इस बिल में प्रोविजन लाए जाएंगे. ओके, नाउ प्रोविजन हैज ऑल्सो बीन एडेड टू फैसिलिटेट एंड डेवलप ट्रेड इन इलेक्ट्रिसिटी विद अदर कंट्रीज. दूसरी कंट्रीज के साथ भी जो है इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड हो सके, इस तरीके के प्रोविजन भी लाए गए हैं इस अमेंडमेंट में. एंड टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सप्लाई एन ऑप्शन इज प्रपोज टू बी प्रोवाइडेड टू डिस्कॉम्स टू ऑथोराइज अनदर पर्सन एज अ सब लाइसेंसी. अगर कोई डिस्कॉम्स है, अगर वो किसी दूसरे एरिया में, या लेट अस से कि कोई रिमोट एरिया है, उस रिमोट एरिया में उस डिस्कॉम का रीच नहीं है, तो वो एक दूसरी कंपनी को सब लाइसेंस दे सकता है कि वो दूसरी कंपनी जाके उस रिमोट एरिया तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर सके. ऑलराइट, एंड APTL जो अपैलेट ट्रिब्यूनल है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, उसको उसकी जो पावर्स है उसको बढ़ाया जाएगा. एंड इट इज प्रपोज टू हैव द पावर्स ऑफ अ हाई कोर्ट टू डील विद द विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ पर्संस एंड एंटिटीज अंडर द कंटेंप्ट्स ऑफ कोर्ट एक्ट 1971. सो बेसिकली जो हमारा अपैलेट ट्रिब्यूनल है इलेक्ट्रिसिटी का, उसकी पावर्स को एनहांस किया जाएगा. ऑलराइट, सो नाउ गाइस लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. दिस इज अबाउट द अमेंडमेंट. वी हैव टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रिकमेंडेड प्रोविजन. सो सब्सिडीज विल बी गिवन थ्रू DBT. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. अ सेपरेट पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यस. प्रोविजन टू फैसिलिटेट एंड डेवलप ट्रेड इन इलेक्ट्रिसिटी. यस. प्रपोजल टू सेट अप अ नेशनल सिलेक्शन कमिटी. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो देयरफॉर गाइस ऑप्शन सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर. ऑल आर इंक्लूडेड एज प्रोविजंस इन द बिल. सो गाइस आई होप आपको अमेंडमेंट बिल के सारे प्रोविजंस क्लियर हैं. अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. द वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड $750 million लोन अग्रीमेंट फॉर द MSME इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम टू सपोर्ट इंक्रीज फ्लो ऑफ फाइनेंस इन टू द हैंड्स ऑफ MSME severely impacted by the COVID-19 crisis. Which of the following is not one of the objectives of the program? So basically government और World Bank ने दोनों ने एक loan sign किया है $750 million का, ताकि जो MSME है उनको support किया जा सके जो भी COVID-19 से affected थे या affected हैं. Right. So this project will support the government in providing targeted guarantees to incentivize NBFCs and banks to continue lending to viable MSMEs to help sustain them through the crisis. So हम सबको पता है कि आत्मनिर्भर भारत में काफी अनाउंसमेंट की गई है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ MSMEs. जो भी MSMEs है उनको वापस से प्रॉफिट मेकिंग बनाने के लिए काफी ज्यादा अनाउंसमेंट की गई है अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज. सो उसी पैकेज को फुलफिल करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने $750 million का लोन दिया है, ताकि वो बैंक्स और NBFCs को इंसेंटिवाइज कर सके, उनको पैसा दे सके, ताकि वो आगे चल के MSMEs को पैसा दे सके, ताकि वो पूरा का पूरा जो गारंटी है जो कि गवर्नमेंट ने लिया था अंडर द आत्मनिर्भर पैकेज, उसको कंप्लीट किया जा सके. ओके, नाउ इट विल एड्रेस द इमीडिएट लिक्विडिटी एंड क्रेडिट्स नीड ऑफ सम 1.5 मिलियन वायबल MSMEs एंड वर्ल्ड बैंक इंक्लूडिंग इट्स प्राइवेट सेक्टर आर्म इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विल सपोर्ट द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट द MSME सेक्टर बाय अनलॉकिंग लिक्विडिटी. लिक्विडिटी प्रोवाइड कराई जाएगी बाय स्ट्रेंथनिंग NBFCs एंड SFBs by providing them with money. उनको लिक्विडिटी दी जाएगी एंड देन वो आगे फर्दर MSMEs को ट्रांसफर करेंगे पैसा इन द फॉर्म ऑफ लोन्स और अदर थिंग्स. एंड दिस प्रोग्राम विल ऑल्सो इंसेंटिवाइज एंड मेन स्ट्रीम द यूज ऑफ फिनटेक एंड डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज इन MSME लेंडिंग एंड पेमेंट्स. फिनटेक और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाएगा, उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके फॉर द MSME लेंडिंग्स. ऑलराइट, and other than this, what are the significance guys of this move of this loan? So MSME sector is central to India's growth and job creation and will be key to the pace of India's economic recovery. We all know hamara IMF ne -4.5% ka jo GDP growth rate hai wo announce kiya hai. So hamari jo economy hai, in fact pure world ki economy is samay slow down mein hai, to hamare India ki agar hum baat karte hain to agar hame economic recovery karni hai to usme MSMEs ka guys bahut bada role hone wala hai. तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव आवर MSMEs. द इमीडिएट नीड इज टू एंश्योर दैट द लिक्विडिटी इन्फ्यूज इन टू द सिस्टम बाय गवर्नमेंट इज एक्सेस्ड बाय MSMEs एंड इक्वली इंपॉर्टेंट इज टू स्ट्रेंथन द ओवरऑल फाइनेंसिंग इकोसिस्टम फॉर MSMEs. नाउ दीज आर सम अदर इमरजेंसी सपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक, जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया है इन द COVID-19 क्राइसिस. इससे पहले $1 billion का इमरजेंसी सपोर्ट वॉज अनाउंसड इन अप्रैल फॉर हेल्थ सेक्टर. $1 billion project was approved in May
to increase cash transfer and food benefits to the poor and vulnerable, and now $750 million loan for a maturity period of 19 years with a 5-year grace period has been given by the World Bank. All right. So guys, this was about the loan, and now let's move on to the question. Which of the following is not one of the objectives? So this program will support government's efforts to channel that liquidity to the MSME sector. Yes, this is one of the objectives. It will give strength to NBFCs and SFBs. Yes. It will incentivize the use of fintech and digital financial services in MSME lending. Yes, this is also correct. It will address the immediate liquidity and credit needs of some 1.5 million viable MSMEs. So guys, therefore, option E, all are the objectives of this program, will be the correct answer, because all are the objectives, all are the correct statements about the objectives of the program. Okay. Now let's move on to question number 5, which is the last question for today, and which is very important question, which is about the India's first plasma bank, which has been opened in ILBS Delhi. So question 5 is, India's first plasma bank is established at ILBS Delhi. Which persons are not eligible to donate plasma? Kaun se log plasma donate karne ke liye eligible nahi hai? So let us discuss about this. So this move aims at easy access to plasma that is being used as a trial to treat COVID-19 patient. And guys, remember one thing, plasma therapy is not a treatment of COVID-19. ये सिर्फ एक ट्रायल के तौर पे यूज किया जा रहा है. इससे सिर्फ फायदा ये होता है कि जो भी पेशेंट है उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज जो वो प्लाज्मा है वो ऐसे पर्सन की बॉडी से आया जिसके अंदर एंटीबॉडीज हैं टू फाइट द कोविड-19. ऑलराइट, इसका आपको बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है कि इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, जस्ट ट्रायल्स आर गोइंग ऑन. ऑलराइट, एंड मुंबई ने, महाराष्ट्र ने एक प्रोजेक्ट प्लैटिना स्टार्ट किया है गाइस, प्रोजेक्ट प्लैटिना, ये भी प्लाज्मा के ट्रायल्स के लिए है. प्रोजेक्ट प्लैटिना स्टार्ट किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. ऑलराइट, एंड द प्लाज्मा बैंक फंक्शंस लाइक अ ब्लड बैंक एंड हैज बीन क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19. द बैंक विल कोऑर्डिनेट विद पेशेंट्स हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 एंड आर एलिजिबल टू डोनेट प्लाज्मा. ऑलराइट, नाउ हु आर एलिजिबल टू डोनेट, कौन कौन लोग हैं जो इसमें एलिजिबल कर सकते हैं? सो दोज हु हैड द डिजीज बट हैव रिकवर्ड एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द डोनेशन. And the donor should be a person between age of 18 and 60 and weighing not less than 50 kg are eligible. And women who have given birth are not eligible as the antibodies they produce during pregnancy can interfere with lung functions. All right, so ऐसी महिलाएं हैं जिनको COVID हो रखा था but उन्होंने किसी child को birth दिया है तो वो eligible नहीं होंगी because antibodies जो उन्होंने produce करी थी during pregnancy वो lung के functions के साथ interfere कर सकती हैं. All right. Now, what is the difference between plasma donation and blood donation? So, in plasma donation as opposed to blood donation, only plasma is extracted and 500 ml of plasma can be donated every 2 weeks. Har 2 hafte mein 500 ml ka plasma donate kiya ja sakta hai, while blood 3 mahine mein ek baar. Alright, and guys, plasma donation se koi weakness nahi aati, kuch nahi aata. ठीक है, तो ये जो आपकी misunderstanding है या फिर आपके किसी आसपास friends and family की जो भी misunderstanding है उनको दूर करें कि प्लाज्मा डोनेशन से वीकनेस आती है, कोई वीकनेस नहीं आती. इनफैक्ट ब्लड डोनेशन से भी कोई वीकनेस नहीं आती. सो अगर आपके आसपास कोई कोविड-19 का पेशेंट है तो उसको बोले कि वो प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए जाए, ताकि जिससे कि किसी और दूसरे इंसान की लाइफ को बचाया जा सके. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, विच सेज दैट विच पर्संस आर नॉट एलिजिबल टू डोनेट प्लाज्मा. सो ऑप्शन ए इज दोज हु हैड द डिजीज कोविड-19 बट हैड रिकवर्ड एटलीस्ट 14 डेज. Yes, this is absolutely correct. People between the age of 18 and 60. Yes, people having weight not less than 50 kg. Women have given who have given birth. So no guys, women who have given birth are not eligible to donate plasma. So therefore, the correct answer will be what? Option D. Okay. So guys, that's it for the session today. I hope you like it. For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. आपको ये session कैसा लगा? Comment करके जरूर बताएं. एंड अगर आपके कोई डाउट्स हो गाइस तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.